नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज एक नया चकचकाता हुआ और बहुत एक्टिविटी के साथ में एक वीडियो लाया हूँ। आज के वीडियो के अंदर हमें दो रूब्रिक समझ के लेना है, जिसमें से पहला रूब्रिक का नाम है एक्सीडेंट प्रोन और दूसरे रूब्रिक का नाम है एक्टिविटी माइंड। हाँ दोस्तों, मैंने इसलिए कहा कि बहुत ही एक्टिव वीडियो लाया हूँ क्योंकि आज जो दो रूब्रिक हमें समझ के लेना है वो दोनों रूब्रिक में से एक रूब्रिक का नाम है एक्टिविटी और दूसरा जो रूब्रिक जो हमें पहले देखना है वो है एक्सीडेंटल प्रोन। इसका अगर हम मराठी में मतलब देखें तो मराठी मध्ये एक्सीडेंट प्रोन ह्या शब्दाचा अर्थ होतो दुर्घटना संभावित, अपघाताची संभावना असणे। और अगर हम हिंदी में उसका मतलब दिखे तो दुर्घटना की ओर झुका हुआ। जितने भी लोग इस रूब्रिक के अंदर आते हैं वो लोगों के साथ अक्सर एक तो एक्सीडेंट होते हैं, वो गिरते गिरते पड़ेंगे, वो गिरते ही रहेंगे, उनको ऐसा लगेगा हमारा एक्सीडेंट होगा क्या और उनके साथ एक्सीडेंट होगा भी। अशा प्रकारचे लोक ज्यांच्या विचारांमध्ये सतत एक्सीडेंट बद्दल दुर्घटनेबद्दल विचार चालू असतात, रस्त्याने जात असताना त्याला असं वाटतं की मी कुठे पडणार तर नाही ना, माझा ऍक्सिडेंट तर होणार नाही ना, तो समोरचा मला मारणार तर नाही ना, माझा खाली तर पडणार नाही ना, मैं जो रस्ते से जा रहा हूं वो रस्ता अचानक से फूट तो नहीं जाएगा, मैं ऊपर से नीचे तो नहीं गिर जाऊंगा। हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि इस रूब्रिक के अंदर की प्रोमिनेंट मेडिसिन कौन सी होगी। हाँ दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम अर्निका ऐसे रूब्रिक वाली, ऐसे मेडिसिन वाला ये रूब्रिक है। देखिए, जब हम एक्सीडेंट प्रोन की बात कर रहे हैं इसके अंदर, इसको जब हम समझ के ले रहे हैं इस रूब्रिक के अंदर या रूब्रिक मध्ये, त्या व्यक्तीच्या भावनांमध्ये अपघाताबद्दल, एक्सीडेंट के बारे में, दुर्घटना के बारे में हरदम सोच रहेगी और वो सेंसिटिव रहेगा दुर्घटनाओं के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में, अपघाताच्या बद्दल। त्याच्या मनामध्ये शंका कुशंका चलत असताना, गाडी चालवत असताना, जर कोणाच्या मागे गाडीवर बसलाय तेव्हा, दुसरं कोणी कार चालवते तेव्हा, म्हणून अशा प्रकारचे लोक स्वतःच कार चालवण्याचा पाहतात, दुसऱ्यांवर भरोसा ठेवत नाही। ऐसे लोग दूसरों पे ट्रैवलिंग में भरोसा नहीं रखते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कहीं मेरा कुछ एक्सीडेंट तो ना हो जाए। ये तो सिर्फ हम ट्रैवलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हर जगह पे जहां जहां दुर्घटना की संभावना है वहां वहां इन लोगों के ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ अपघात, अपघात और अपघात ही आएगा। अब जो दूसरा रूब्रिक आ रहा है, जैसे मैंने कहा एक्टिविटी माइंड या फिर मेंटल, एक्टिविटी या फिर एक्टिव, ये वर्ड का जो मीनिंग है, इस वर्ड को जब हम समझते हैं तो वो वर्ड ही हमें समझा देता है कि यहाँ पे हलचल है, गतिविधि है, इथे हलचाला है, धामधुमा है। जब हम इस रूब्रिक को समझने की कोशिश करते हैं, मेंटल एक्टिविटी जब ये रूब्रिक हम देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारे सब रूब्रिक्स दिए हैं। ये रूब्रिक का मतलब ऐसा निकल रहा है कि मैं जितने भी बार सोच रहा हूं, मेरा जितनी भी माइंड की एक्टिविटी चल रही है वो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में चल रही है। जैसे इसमें एक सब रूब्रिक है एक्टिविटी बिजनेस अबाउट, वो पर्सन जब भी आपको मिलेगा उसके बोलने में, उसके हावभाव में, उसके चलने में, उसके माइंड के पूरे एक्टिविटी में बिजनेस, बिजनेस और बिजनेस ही रहेगा। कोई है जिसके बारे माइंड में सिर्फ फैमिली चलेगी, कोणी असा व्यक्ती असेल कि ज्याच्यामध्ये फक्त जो व्यवसायाबद्दल विचार येत असतील, कोणी असा व्यक्ती आहे एखाद्या दुःखाबद्दल सतत विचार करत असेल, कोणी म्हणत आपल्याकडे येतो की सर मागच्या काही दिवसापासून माझ्या विचारांची शृंखला इतकी वाढली आहे की सांगता सोय नाही। हा दोस्तो, कॉफी मेडिसिन अगर हम देखे, एक्टिविटी मेंटल इंक्रीज, उसमें कॉफी 3 मार्क्स को आता है। ऐसे मेडिसिन के अंदर हम जब देखते हैं, एक्टिविटी के बारे में सोचते, माइंड की एक्टिविटी के बारे में सोचते, तो ये लोग चंचल है, बहुत ज्यादा चंचल है और इनका माइंड हरदम घूम रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है। फिर वो किसी सब्जेक्ट के लिए रह सकता है, किसी चीज के लिए रह सकता है, बिजनेस के लिए रह सकता है, फैमिली के लिए रह सकता है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रह सकता है, सराउंडिंग के लिए भी रह सकता है। हमें देखना है, हमें समझना है कि वो कौन से चीज में खुद
की माइंड को बहुत ज्यादा एक्टिव करके ले रहा है। जरूरी नहीं कि हर जगह पे ऐसा ही मिले, पर जब माइंड की एक्टिविटी बढ़ी हुई मिलेगी, थॉट्स लेवल फास्ट मिलेंगे, तब टैली आउट करना जरूरी है कि वो कौन से चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व है। अब अगर हम देखें ये दो रूब्रिक, मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एक है एक्सीडेंट प्रोन और एक्टिविटी माइंड या फिर मेंटल के बारे में। मेरे कुछ दोस्तों का कहना आया कि मैं जो सब रूब्रिक्स हूँ उनको भी बहुत अच्छे से समझाऊ, उनके मेडिसिन को जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ, पर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर मैं वो हर चीज को डिस्क्राइब वीडियोस में करूंगा तो आप लोगों की मेहनत, आप सोच रहे हो कम हो जाएगी, नहीं, वो आपकी मेहनत बढ़ाने वाला है। क्योंकि जो भी चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ, जो भी एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, एक कॉमन लेवल के रखता हूँ, वो सब रूब्रिक्स जो है उसको आपको ही समझना जरूरी है। क्योंकि एक तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी और दूसरा उसके अगर मैं एग्जांपल एक एक देना चालू करूं तो आप कंफ्यूजन में जाना चालू हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थ्रू पढ़ाई करें। छोटे छोटे चीजों से समझने की कोशिश करिए, धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। जैसे होले होले हम गाना गाते हैं कि होले होले मेरे जिंदगी में आना, हाँ रूब्रिक्स को भी यही कहिए कि होले होले मेरे जिंदगी में आना, पर परमानेंट स्वरूप में मेरे साथ रहना, जो मैं होम्योपैथी में आपका इस्तेमाल कर सकूं। आशा करता हूँ मैं आप तक ठीक से पहुंच रहा हूँ। आप मेरे वीडियोस देखते हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए, और कल हम फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय होम्योपैथी, थैंक यू।